कैसे फीमेल एम्पावरमेंट को दिखाया गया है, किस मुद्दे पर बात कर रही है फिल्म, क्या सीखने को मिलता है इससे। दोस्तों, एकेडमिक अवार्ड्स विनर जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर थिएटर के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी खूब पसंद की जा रही है। 7 जून को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई ये फिल्म अंडर वाटर एडवेंचर का खुलासा करती है। ये फिल्म एक ऐसी दुनिया से दर्शकों को मिलवाती है जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा। ये फिल्म फीमेल एम्पावरमेंट को दिखाती है, जो पृथ्वी की रक्षा करने से लेकर शक्तिशाली विरासत कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर उतारती है और अपने लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ती है। इसमें कुछ पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स हैं जिन्हें अवतार द वे ऑफ वाटर में दिखाया गया, जिनसे फिल्म की रूह विकसित होती है। दोस्तों, नेत्री, फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर में नेत्री का किरदार जो सल्तारा ने निभाया है, नेत्री का ऐसा किरदार है जो एक शक्तिशाली पावर के रूप में रूल करती है। उसका किरदार दर्शकों को अपनी ओर काफी खींचता है, आकर्षित करता है। फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, नेत्री की जर्नी नए मोड़ लेती है। वो एक लीडर और एक माँ के रूप में सराहनीय एक्टिंग करती है। परिवार और पेंडोरा की सुरक्षा के बीच फंसी हुई वो इन सब में से अपना एक अलग रास्ता निकालती है। वो एक ऐसी महिला है जो अपनी आंतरिक शक्ति को गले लगाना सिखाती है। उसके लिए जो प्रिय है उसके लिए हमेशा खड़ी रहती है। दूसरा, रोनल। रोनल फिल्म में एक ऐसी फीमेल लीड है जो अपने कबीले के सारे प्रमुख निर्णय खुद ही लेती है। फिल्म में रोनल किरदार केट विंसलेट ने निभाया है। रोनल साहस और दयालुता की एक प्रतीक है। वो पंडोरा की रक्षा के लिए आखिरी लड़ाई तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो अपने कामों से महान कूटनीति और दृढ़ विश्वास को भी दर्शकों तक पहुंचाने में सफल हुई है, जो सभी कैरेक्टर्स को उनके मतभेदों के बावजूद एकजुट करती है। तीसरी, कीरी। कीरी का किरदार सिगुरनी विवर ने निभाया है। कीरी जेक्सुली और नेत्री की गोद ली हुई बेटी है जो अपनी दिवंगत माँ डॉक्टर ग्रेस ऑक्सटाइन के स्टार और विरासत को साथ लेकर चलती है। कीरी एक युवा महिला है जिसके पास मानव प्रौद्योगिकी और नाभि द्वारा आयोजित प्रकृति से पवित्र संबंध रखने की गहरी समझ है। वो सहानुभूति और संतुलन से मिडकाइना और ओमैटिकया के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश करती है। चौथा, तुक। तुक की भूमिका ट्रिनिटी जो ली प्लीस ने निभाई है। तुक जेक्सुली और नेत्री की सबसे छोटी बेटी है। तुक का किरदार एक जीवंत व्यक्तित्व और एक निर्विवाद आकर्षण से भर देता है। कम उम्र के बावजूद उसकी अपनी माँ नेत्री, दादी मोत और अपनी दत्तक बहन कीरी के साथ गहरा रिश्ता है। वो आपको उस जादू की याद दिलाती है जो खोज के सबसे सरल क्षणों में पाया जा सकता है। पंडोरा की डूबती दुनिया में वो अपनी ऊर्जा से निडर भावना जागृत करती है। फिर है तिसराया। तिसराया की भूमिका बेली बास ने निभाई है। वो रोनल और टोनो वारी की टीनेज बेटी है। तिसराया का चरित्र अनुग्रह और दया से भरा है। वो लोग के साथ अपने बढ़ते संबंधों की जटिलताओं के माध्यम से नेविगेट करती है। वो ऐसी महिलाओं के लिए आईना का काम करती है जो दल और विरासत के अज्ञात क्षेत्रों के बीच संघर्ष करती है। तो ये फीमेल कैरेक्टर्स हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी लड़ाई को खुद ही लड़ना चाहिए और उसमें जी जान लगा देनी चाहिए। आपको इनकी कैरेक्टर्स कैसे लगे ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।